नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल फूड यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और नई भर्ती अपडेट लेकर आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी दोस्तों ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जानेंगे पूरी डिटेल, बने रहिए वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो में हमने पूरा फुल अपडेट आपको दे दिया है, लेकिन आपको फिर भी कहीं पता नहीं चलता है तो आप हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करके हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, ये दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस की है। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ये निकल के आ रही है दोस्तों। वी नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, आपको पता है बिना नोटिफिकेशन के हम कोई भी वीडियो नहीं बनाते। बात करेंगे दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन डेट की, अप्लाई डेट की, कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये 6 जून से दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 6 जून से आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट जो इसकी है वो 27 जून रहने वाली है। 27 जून तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना होगा। और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो भी 27 जून है। 27 जून के बाद आप बोलोगे कि एक्सटेंड होगा, तो आगे एक्सटेंड ये नहीं होने वाला। 27 जून तक आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन की जितनी फ़ीस रखी गई है आप भी वो ऑनलाइन 27 जून तक ही कटवा सकते हैं। बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका इसमें 500 रुपया फ़ीस दोस्तों लगने वाली है, जो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। और अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका 200 रुपये दोस्तों इसमें लगने वाला है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है SC ST कैंडिडेट के लिए। आगे हम दोस्तों बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल रखा गया है, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 3 साल की छूट मिलने वाली है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 5 साल की छूट मिलने वाली है। और आपकी एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 तक आपकी जो है एज काउंट होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप 1-2 दिन के अंदर ओवर एज हो रहे हैं तो इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अप्लाई लिंक का। और ये हमारे रॉयल फूजी यूट्यूब चैनल की तरफ से जो डिजिटल PDF बनाया गया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस PDF के अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको वो अप्लाई लिंक जो है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके भी आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें वो प्लस टू पास रखा गया है। अगर आपके पास प्लस टू पास है तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको एक बात बता दूं, तो ये फॉर्म जो है वो ओनली फॉर मेल के लिए है, फीमेल के लिए ये फॉर्म नहीं है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो वो यहीं से छोड़ के जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। और बात करेंगे पोस्ट नेम की, तो पोस्ट इसमें आपको पाइप बैंड की मिल जाएगी और साथ में ब्रास बैंड की देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे इनकी वैकेंसियों के बारे में। तो पाइप बैंड में जो टोटल 16 वैकेंसियाँ दोस्तों निकल के आ रही हैं, जिसमें से 5 वैकेंसियाँ जनरल की हैं, 3 SC की हैं, 4 OBC की हैं, 2 EWS की हैं और 2 ही ESM की हैं। बात करेंगे इनकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी इनकी 19,900 से लेकर 63,200 इनकी सैलरी रहने वाली है। बात करेंगे ब्रास बैंड के बारे में, तो ब्रास बैंड में टोटल वैकेंसियाँ 23 निकल के आ रही हैं, जिसमें से जनरल की 13 हैं, SC की 7 हैं, OBC की 10 हैं, EWS की 4 हैं, ESM की 5 हैं। बात करें कि इनकी सैलरी की, तो सैलरी इनकी 19,900 से लेकर 63,200 इनकी सैलरी रहने वाली है। इसी के साथ आगे ब्रास बैंड में कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, और पाइप बैंड में कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, ये भी बात आज पूरी जानेंगे। तो सबसे पहले ब्रास बैंड में जो निकल के आ रही है वो BB क्लैरिनेट करके आ रही है, इसमें 7 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। और EB क्लैरिनेट में 1 वैकेंसी है, ट्रम्पेट कॉर्नेट में 2 वैकेंसियाँ हैं, और इपियोमियम में 2 वैकेंसियाँ दोस्तों निकल के आ रही हैं। ये जो पोस्ट हैं दोस्तों ये म्यूजिशन जो होते हैं, जो म्यूजिक बजाते हैं, उनकी ये वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं। अगर आपने म्यूजिक सीखा तो आपको पता होगा। मुझे थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ करना। वैसे पढ़ के तो मैं सारी बताऊंगा आपको, लेकिन आप इसको PDF को डाउनलोड करके एक बार को उससे भी पढ़ लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे पाइप बैंड वैकेंसियों के बारे में, कि कौन सी पोस्ट इसमें आती हैं और कितनी वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं। तो पहला है बैक पाइपर में, इसमें 5 वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं। और दूसरा आ गया साइड ड्रमर, इसमें 5 वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं। बेस ड्रमर, इसमें 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। बुकलेयर में 5 वैकेंसी निकल के आ रही हैं।
अगले में सिर्फ ब्रास बैंड में ही निकल के आ रही हैं पोस्ट और वैकेंसियाँ, तो आप दे सकते हैं। बी टोनर ट्रोम्बोन, इसमें दो वैकेंसी निकल के आ रही हैं। EBF हॉर्न, इसमें दो वैकेंसी निकल के आ रही हैं। टेनोर सेक्सोफोन में एक वैकेंसी निकल के आ रही है। और अल्टो सेक्सोफोन, इसमें एक वैकेंसी निकल के आ रही है। पिकोलो फ्लूट में एक वैकेंसी निकल के आ रही है। बेसोन में एक वैकेंसी है। ओबियो में एक वैकेंसी निकल के आ रही है। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इस PDF को डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ लें। मैंने तो अपनी तरफ से जस्ट ऐसे करके पढ़ ही दिया है, पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया है, लेकिन एक बार इस PDF को डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ लें। अगर आपको म्यूज़िक बजाना आता है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बैंड इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग टेस्ट, आपका जो मतलब आपने जो म्यूज़िक सीखा है, पहले सबसे पहले आपका उसका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल इंस्ट्रूमेंट टेस्ट एंड फिजिकल फेसिनेंसी टेस्ट, मतलब आपका जो फिजिकल वगैरह होता है और इंस्ट्रूमेंट आपको बजाने आनी चाहिए, वो आपका सारा मिक्स होने वाला है। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद सिलेक्शन, और उसके बाद आपका जॉब लोकेशन जो रहने वाला है दोस्तों, वो चंडीगढ़ ही रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे PET एंड PMT में क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका हाइट होगी, जिसमें आपकी 5 फीट 7 इंच इन्होंने हाइट आपकी मांगी है। उसके बाद आपकी चेस्ट होगी, तो 33 इंच विद 1.5 इंचेस एक्सपेंशन, मतलब फुला के आपकी आपकी जो फुला हो 1.5 आपका आना चाहिए। और इसके बाद आपकी रेस होगी, तो 8 मिनट के अंदर आपको 100 100 मीटर दोस्तों रेस करनी है। और ये है आज का क्वेश्चन का PET PMT का जो आपका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आप अगर उस PDF को फुल पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो इस PDF के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधी चंडीगढ़ की पुलिस जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर पाएंगे। अगर साथ ही साथ अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप नहीं देखना चाहते तो PDF पे भी क्लिक करके आप यहाँ से भी पूरा PDF डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की कुछ जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों जरूर से शेयर करिएगा, और ऐसी नई नई भर्तियों की अपडेट और जानकारी के लिए रॉयल फौजी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जिनके ऊपर हम कोई वीडियो नहीं बना पाते, उनका अपडेट हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे देते हैं। बहुत दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ रही थी, किसी कारणवश मैं कहीं बाहर गया हुआ था और वीडियो नहीं बना पा रहा था। नोटिफिकेशन तो मेरे पास और भी बहुत हैं, बहुत ही जल्द उनकी वीडियो आपके पास आने वाली है। तो रॉयल फौजी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। अब लेते हैं हम आपसे विदा, मिलेंगे किसी एक ऐसी ही बड़ी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।